और आईटी पर आपने अपनी राय तो वैसे रखी दी है, लेकिन गणपत जी थोड़ा स्पेसिफिक जानना चाहते हैं, आईटी बीज में इन्वेस्टमेंट का अभी टाइम है या वेट कर लें? गणपत जी, इस चीज का डिस्कशन लास्ट या लास्ट बट वन एपिसोड में राजीव जी ने बहुत अच्छे से कराया था हमसे। उसको रिपीट करता हूँ, उस चीज को ध्यान रखिएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आईटी सेक्टर या आईटी बीज ये अभी कंसोलिडेशन फेज में है, एंड द बेस्ट वे टू डील विथ कंसोलिडेशन इज एसआईपी। आराम से इसमें स्टैगर्ड बाइंग कीजिए या एसआईपी करते रहिए। अब मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा कि एसआईपी गिरने में करना है या उठने में करना है, बिकॉज उस पर इतना थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, मेरे व्यूज थोड़े अलग हैं। अगर आप नहीं समझ सकते हैं इंडेक्स को, या आप टाइम नहीं कर सकते हैं, या आपको व्यू लेना नहीं आता है, या आप लेमैन है, कुछ नहीं कीजिए। जब कंफ्यूजन प्रिवेल करता है, माइंड माई वर्ड्स, जब कंफ्यूज कंफ्यूजन प्रिवेल करता है, बेस्ट मेथड इज टू गो फॉर एसआईपी। बस चुपचाप आप उसमें एसआईपी करते रहिए। ध्यान रखिएगा कि अपने आपको 2 साल का टाइम दीजिए। क्यों 2 साल का टाइम देना है आपको? क्योंकि ये साल तो यूएस कंफ्यूजन में निकाल देगा, अगले साल हमारे यहाँ इलेक्शन में निकल जाएगा। जो भी होना है, यहाँ से इलेक्शन तक रैली हो जाएगी, और उसके बाद हमारे मार्केट में अगले साल डीप करेक्शन आएगा, उसको भी यूज कीजिए। इसलिए आप यहाँ से 1 साल कंटिन्यूस एसआईपी करते रहिए, 2 से 3 साल का व्यू रखिए, अगर आप आईटीबी में बीच में कुछ करना चाहते हैं। दैट्स ऑल। और काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, बहुत सेफ वे है खेलने का, 2 से 3 साल भी वैसा। जी,